हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ग्लोबल पब्लिक गुड्स क्या होते हैं? ग्लोबल पब्लिक गुड्स कुछ आइडिया लग रहा है? ग्लोबल हम बात करेंगे, अगर पूरी वीडियो में तो हम ग्लोबली बात करेंगे, सिर्फ एक कंट्री की बात नहीं करेंगे, ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ की बात करेंगे, मतलब पूरा ग्लोबल बात करेंगे, ठीक है। पब्लिक गुड्स, पब्लिक गुड्स मतलब कि जो नॉर्मल लोगों के लिए है, ठीक है। प्राइवेट गुड्स नहीं, प्राइवेट गुड्स अलग होते हैं। जैसे अब देखते हैं, वर्ल्ड बैंक जो है वो पब्लिक गुड को, ग्लोबल पब्लिक गुड्स को कैसे डिफाइन करती है। तो वर्ल्ड बैंक कहती है कि ग्लोबल पब्लिक गुड्स जो होते हैं वो कमोडिटीज़ होते हैं, ये तो सर्विसेज होते हैं, ये सिस्टम्स होते हैं, ये सारे भी हो सकते हैं जो कि क्रॉस बॉर्डर हेल्प कर रहे हैं। ये क्रॉस बॉर्डर एक्सटर्निटीज़ होते हैं और ये इंपॉर्टेंट होते हैं डेवलपमेंट के लिए, पॉवर्टी रिडक्शन के लिए, हेल्थ केयर के लिए और ऐसे बहुत सारी चीज़ों के लिए, ठीक है। तो बेसिकली ये मतलब देखो, सारी कंट्रीज़ मिलकर के कोई कंट्री में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सॉल्व करें, या फिर जो भी ग्लोबली प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जा रहा है, ठीक है। ग्लोबल हम इसको कब कब कह सकते हैं? जब ये लार्ज ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ को कवर कर रहे हैं, ठीक है। कोई जियोग्राफिकल क्राइटेरिया नहीं है, कुछ जियोग्राफिकली रिस्ट्रिक्टेड कि ये सिर्फ इसी जियोग्राफिकल एरिया के लिए है, ये सिर्फ इसी जियोग्राफिकल एरिया के लिए, ये सबके लिए है, ठीक है। जियोग्राफिकल एरिया यहाँ पे डिफाइन है ही नहीं, या फिर अगर डिफाइन भी है तो सिर्फ एक पर्टिकुलर इंसान के लिए नहीं होगा, ये ग्लोबली होगा, ठीक है। इसके एग्जांपल से सब समझ आ जाएगा। एग्जांपल बताती हूँ, देखो ग्लोबल पीस है, ग्लोबल पीस सिर्फ एक कंट्री को नहीं दिया जा सकता, ये ग्लोबल पीस है अगर तो हर एक कंट्री को हेल्प करेगी, यूएसए को भी हेल्प करेगी, इंडिया को भी हेल्प करेगी, जापान को भी हेल्प करेगी, हर कंट्री को हेल्प करेगी। कंट्रीज़ में शांति रहेगी, फ्रीडम रहेगी, खुशियाँ रहेंगी, ठीक है। क्लीन एनवायरनमेंट सिर्फ एक कंट्री को हेल्प नहीं कर सकता है, ग्लोबली सबको हेल्प करने वाला है, ठीक है। और इसकी नीड भी है, और टेक्नोलॉजी हो गया। नॉलेज, नॉलेज वेलफेयर में बहुत हेल्प करता है। अब हेल्थ, ग्लोबल पब्लिक हेल्थ की बात करें तो डॉक्टर्स को इम्प्रूव करना, एजुकेशन को बहुत जगह यूज़ किया जाता है, जैसे कि सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, ठीक है। या फिर नॉलेज को और कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं आप बताओ कमेंट बॉक्स में, हम नॉलेज को और कैसे कैसे हेल्प कर यूज़ कर सकते हैं ताकि हेल्प करे ग्लोबली लोगों को। और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, ग्लोबल पब्लिक हेल्थ, तो ये सारे अभी जैसे ग्लोबल पब्लिक हेल्थ की बात करें तो अभी पेंडेमिक आ रखा था कोविड-19, तो WHO जैसे ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, वो सबको हेल्प किए हैं। सिर्फ एक कंट्री को हेल्प किया गया, यहाँ पे ग्लोबली सबको हेल्प किया गया, ठीक है। डेवलपमेंट में, वैक्सीन्स डेवलपमेंट में हेल्प कर रहे हैं उन लोगों ने, और दवाइयाँ बनाने में, ठीक है। तो यहाँ से ग्लोबली सबकी हेल्प होती है, ठीक है। और अगर हम बात करें बिसाइड जियोग्राफिकल क्राइटेरिया, हम जियोग्राफिकल क्राइटेरिया नहीं देख रहे हैं, क्रॉस बॉर्डर एक्सटर्निटीज़ होती हैं, सबको हेल्प कर रही हैं। जियोग्राफिकल क्राइटेरिया के अलावा और क्या क्या है? ये सिर्फ करंट जनरेशन को हेल्प नहीं करती हैं, ग्लोबल पब्लिक गुड्स जो होती हैं वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी होती हैं, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी चीज़ें सेट करती हैं, ठीक है। तो सिर्फ जियोग्राफिकल क्राइटेरिया नहीं है, सिर्फ क्रॉस बॉर्डर ही हेल्प नहीं करती हैं, सिर्फ एक कंट्री को हेल्प नहीं करती हैं, बहुत अगर यहाँ पे हेल्प किया जा रहा है तो बहुत सारी कंट्रीज़ अफेक्ट होंगी इससे, उनके पे बहुत अच्छे अच्छे इफेक्ट्स आ सकते हैं, और डेवलपमेंट होगा उनका ऑब्वियसली, और सिर्फ एक जनरेशन का नहीं, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हेल्पफुल होती हैं, ठीक है, ग्लोबल पब्लिक गुड्स। और एक और बात कि ये सिर्फ एक पर्टिकुलर इंसान करेगा, पर्टिकुलर इंडिविजुअल कर रहा है तो ये इतना ज़्यादा सफिशिएंट नहीं होगा, अगर कोऑपरेशन के साथ हम काम कर रहे हैं, कलेक्टिव एक्शंस के थ्रू काम कर रहे हैं, सिर्फ एक कंट्री नहीं बहुत सारी कंट्रीज़ हेल्प कर रही हैं इस चीज़ को करने में, तो ये काम इजीली होगा और बेनिफिट देगा सबको, ठीक है। बात समझ आई? नेक्स्ट हमने एग्जांपल्स देख रखा है। हमें ग्लोबल पब्लिक गुड्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है, हमें ज़रूरत ही क्यों है? ये हेल्प करते हैं रिच और पुअर कंट्रीज सब के लिए बेनिफिशियरी होता है ये, ठीक है। सेफ गार्डिंग के लिए ये क्रूशियल है, सोशल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहे, पॉलिटिकल प्रोग्रेस हो, ठीक है, इन सारी चीज़ों के लिए ये हेल्पफुल है, ठीक है। ये मैनेज करता है जो भी ग्लोबल रिस्क आती हैं, ग्लोबल रिस्क कैसे आ सकते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया है तो वर्ल्ड बैंक हेल्प करेगा, आपकी IMF हेल्प करेगा, कहीं से पैसे इकट्ठे करके जिस कंट्री को ज़रूरत होगी उस कंट्री को दिया जाएगा। कोई एपिडेमिक आ रखा है तो WHO जैसे जो इंस्टीट्यूशन है वो हेल्प करेंगे। सिक्योरिटी रिस्क में आपका हेल्प किया जाएगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आप हेल्प चाहते हो तो आपको हेल्प मिलेगी। और जैसे कि फाइनेंशियल क्राइसिस आया तो सिर्फ एक कंट्री को तो इससे लॉस हो नहीं रहा है, बहुत सारी कंट्रीज़ को इससे लॉस हो रहा है, तो ये सबको मैनेज कर, अगर ग्लोबल पब्लिक गुड्स है तो ये सबको मैनेज करेगा, ठीक है। लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाएगा हर जगह, सिर्फ एक कंट्री को नहीं, हर जगह लिविंग स्टैंडर्ड्स जो हैं वो बढ़ेंगे, डेवलपिंग कंट्रीज़ के हो, डेवलप्ड कंट्रीज़ के हो। डेवलप्ड कंट्री से पैसे लेकर के डेवलपिंग कंट्रीज़ की हेल्प करी जाती है, क्योंकि ये ग्लोबली सबकी सिक्योरिटी के बारे में, सेफ्टी के बारे में, हेल्थ केयर के बारे में सोचा जा रहा है, ठीक है।
ग्लोबल पब्लिक गुड्स की नेचर क्या क्या होते हैं, या फिर कह लो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक की ये नॉन राइवलरस होते हैं। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक अगर हम देखें इनकी, तो ये नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं। नॉन एक्सक्लूडेबल मतलब एक इंसान यूज़ कर रहा है, 10 इंसान यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें से किसी को एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता है, सब कोई यूज़ करेगा उसको। एक इंसान को हम बाहर नहीं कर सकते हैं, ये हर एक इंसान के लिए, ठीक है, हर एक इंसान के लिए है। अगर मान लो एक पार्क है, पब्लिक गुड्स ही जब हम ग्लोबली जाता है तो वो क्या बन जाता है, ग्लोबल पब्लिक गुड्स। तो क्लीन इन्वायरमेंट जो है सबके लिए बेनिफिशियरी है, क्लीन वाटर सबके लिए बेनिफिशियरी है। हम किसी को यहाँ से एक्सक्लूड नहीं कर सकते कि तुम क्लीन वाटर नहीं पी सकते हो, तुम क्लीन वाटर नहीं ले सकते हो, हम ऐसा नहीं कह सकते। तो ये नॉन एक्सक्लूडेबल होता है। तो दूसरा, ये नॉन राइवलरस होता है। अगर एक इंसान कंज्यूम कर रहा है तो दूसरे इंसान को कमी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसके लिए भी अवेलेबल है और इसके लिए भी अवेलेबल है, ठीक है, तो दोनों बात समझ आई। नेक्स्ट, इतने सारे से बेनिफिट्स हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स भी होंगी। तो फ्री राइडिंग प्रॉब्लम, फ्री राइडर प्रॉब्लम मतलब कि जो लोग पे नहीं करते हैं इसके लिए, वो भी इसको यूज़ करते हैं। ये किसी के लिए, किसी को एक्सक्लूड नहीं करता और नॉन राइवलरस नेचर होता है, ठीक है। अगर एक इंसान को सप्लाई किया जा रहा है तो दूसरे इंसान को भी सप्लाई किया जाएगा। जो टैक्स पे कर रहा है उसके लिए भी सप्लाई किया जाएगा, जो टैक्स पे नहीं कर रहा है उसके लिए भी है ये, ठीक है। तो ये इसकी वजह से गवर्नमेंट को प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कमी हो सकती है, शॉर्टेज हो सकता है। तो एक प्रॉब्लम ये हो गई। दूसरी प्रॉब्लम ये, करप्शन इसमें बहुत होता है। जिस काम को 10 दिन में किया जा सकता है उस काम को 25 दिन लगाएंगे काम करने में, ज़्यादा पैसे मांगेंगे, ब्राइबरी जैसी चीज़ें, ठीक है। इलीगल एक्विजिशन होगा रिसोर्सेज का amongst officials and often increase more government funding for single project. सिंगल प्रोजेक्ट के लिए ज़्यादा फंडिंग ले लेंगे, ठीक है, और फिर गवर्नमेंट को इंसेंटिव्स की कमी हो जाएगी। और गवर्नमेंट को इंसेंटिव की कमी होगी तो सिर्फ एक ही कम्युनिटी तक पहुँच पाएगा, दूसरी कम्युनिटी तक नहीं पहुँच पाएगा, ठीक है। तो ये इलीगल एक्विजिशंस, ब्राइबरी वगैरह की वजह से लॉस होता है इसमें। अगर हम बात करें इंस्टीट्यूशंस की, तो कौन सी इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि ग्लोबल पब्लिक गुड्स को प्रमोट करते हैं, हेल्प करते हैं? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, यूरोपियन बैंक फॉर री कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट फॉर ट्रांजिशन इकोनॉमीज। मतलब अभी वर्ल्ड वॉर सेकेंड जब हुआ था 1990s में, तो मतलब जब वर्ल्ड वॉर टू हुआ था तो उस टाइम पे उन कंट्रीज़ को हेल्प करने के लिए यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बैंक बना था, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक बना था, न्यू डेवलपमेंट बैंक, मतलब ये सारे जो हैं ये ग्लोबली सबको हेल्प करते हैं डेवलप होने में, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन ग्लोबल पब्लिक गुड्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।